हेलो एवरीवन, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। एंटोनी चेखव द्वारा लिखा गया द बैट। इसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन मैं दूंगी। ये एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है जो एंटोनी चेखव ने लिखा था और ये 1889 में पब्लिश हुआ था। इसमें कहानी में एक पार्टी चलते रहती है। पार्टी में बहुत सारे लोग इन्वाइटेड रहते हैं। उसमें एक बैंकर भी रहता है, लॉयर भी रहता है और बहुत सारे लोग रहते हैं। तो दोस्तों के बीच में डिस्कशन चलते रहती है और ये डिस्कशन जो रहती है बहुत सारी बातों पे रहती है, लेकिन एक मेन बात पे चलते रहती है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा ठीक है कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है। लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब आजीवन जो कारावास है वो है, कि कैपिटल पनिशमेंट मतलब जो मौत की जो सज़ा है वो ज़्यादा बेटर है, कौन है, इस पर डिस्कशन चलते रहता है। तो सब अपना अपना व्यू पॉइंट देते रहते हैं, बैंकर भी देता है, लॉयर भी देता है। इस तरह से स्टोरी है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। इट वॉज अ डार्क ऑटमन नाइट। द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी एंड रिमेम्बरिंग हाउ 15 ईयर्स बिफोर ही हैड गिवन अ पार्टी। वन ऑटमन इवनिंग देयर हैड बीन मेनी क्लेवर मैन देयर एंड देयर हैड बीन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस। अमंग अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट्स। तो ये जो बैंकर है, ओल्ड बैंकर, इस कहानी का जो प्रोटागनिस्ट है, एक बूढ़ा बैंकर है, वो पतझड़ की एक रात है, वहाँ पर इधर से उधर अपने जो ड्राइंग रूम में वो इधर से उधर घूम रहा है, सोफे के पास से गुजर रहा है और बहुत ही परेशान है वो, और वो कुछ सोच रहा है वो, और सोचते सोचते वो सोच रहा है उस रात को, 15 ईयर्स पहले की जो रात है पहले उसको सोच रहा है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब वो एक पार्टी दिया था, वहाँ बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, बहुत सारे बुद्धिमान लोग, क्लेवर लोग इनवाइटेड थे उस पार्टी में, और बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन और डिस्कशन चल रहा था उस समय पार्टी में। एमोंग अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। द मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट अमोंग हुम वर मेनी जर्नलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल मैन डिसअप्रूव्ड ऑफ द डेथ पेनाल्टी। तो वहाँ पे बहुत सारे बातों पर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन मेन जो डिस्कशन का टॉपिक था वो था कैपिटल पनिशमेंट, मतलब जो मौत की सज़ा है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। और बहुत सारे जो गेस्ट थे, जिसमें से जर्नलिस्ट भी थे और बहुत सारे बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, वो सब कह रहे थे कि डेथ पेनाल्टी जो है, जो डेथ वाली सज़ा है, वो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बात कर रहे थे हम लोग। दे कंसिडर्ड दैट फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट आउट ऑफ द डेथ इमोरल एंड अनसुटेबल फॉर द क्रिश्चियन स्टेट। वो कह रहे थे कि ये जो डेथ पेनाल्टी है बिल्कुल आउट ऑफ डेट है, बिल्कुल अभी समय के खिलाफ है, अनैतिक है, और हमारा जो क्रिश्चियन स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट क्या है, एक मोरल होना चाहिए, इसके बिल्कुल खिलाफ है। इन द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ देम द डेथ पेनाल्टी आउट टू बी रिप्लेस्ड एवरीवेयर बाई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उनके ओपिनियन में ऐसा था कि ये जो डेथ पेनाल्टी है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिप्लेस कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। आई डोंट एग्री विथ यू सेट देयर हॉस्ट द बैंकर। अभी जो हॉस्ट था, जो मेजबान था, ये जो प्रोटागनिस्ट था बैंकर, वो कहता कि नहीं, मैं तुमसे एग्री नहीं करता, वो कहता है आई हैव नॉट ट्राइड ईदर द डेथ पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बट इफ वन मे जज अ प्रायोरी द डेथ पेनाल्टी इज अ मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये बैंकर कहता है कि मैं तुम सबसे एग्री नहीं करता, मुझे लगता है कि जो डेथ पेनाल्टी है वो ज़्यादा काइंड है, ज़्यादा ह्यूमन है और ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इससे जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, जो आजीवन कारावास है, उससे ज़्यादा बेटर है। कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस बट लाइफ लॉन्ग इंप्रिजनमेंट किल्स हिम स्लोली। वो कहता है जो कैपिटल पनिशमेंट क्या करता है, इंसान को तुरंत मार देता है और उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, मरते समय बस तकलीफ होती है, लेकिन जो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है वो आदमी को तिल तिल करके मारता है, आदमी बाय डिग्री मरता है। विच एग्जीक्यूशनर इज अ मोर ह्यूमन, ही हु किल्स यू इन अ मिनट, फ्यू मिनट्स, और ही हु ड्रैग्स द लाइफ आउट ऑफ यू इन अ कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स। कौन सा मारने वाला एग्जीक्यूशनर जो है वो ज़्यादा काइंड है, वह जो आपको एकदम कुछ मिनटों में मार दे, या तो वो जो आपको तिल तिल कर मारे और एकदम बहुत समय ले आपको तड़पा तड़पा के मारे। बोथ आर इक्वली मोरल, ऑब्जर्व वन ऑफ द गेस्ट, फॉर दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट टू टेक अवे लाइफ। अब दूसरा एक गेस्ट रहता है, वो कहता है कि नहीं, दोनों ही दोनों अनैतिक है, दोनों के दोनों ही इमोरल है और ठीक नहीं है। हालांकि दोनों का ऑब्जेक्ट जो है, उनका जो उद्देश्य एक ही है कि लाइफ को लेना, आपकी जिंदगी को लेना। द स्टेट इज नॉट गॉड, इट हैज़ नॉट द राइट टू टेक अवे वॉट इट कैनॉट रेस्टोर विथ वॉन्ट टू। एमोंग द गेस्ट वॉज अ यंग लायर, ए यंग मैन ऑफ 25। अब ये कहते हैं
वो आदमी कहता है कि स्टेट कोई गॉड नहीं है, सरकार कोई गॉड नहीं है जो आपकी लाइफ को छीन ले। वो ऐसी चीज आपसे आपसे नहीं छीन सकता जिसको आप उसको दे नहीं सकता। इंसान किसी की जिंदगी को दे नहीं सकता, तो उसको छीनने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा कहता है वो। अब इसमें गेस्ट में से एक एक लॉयर था, यंग लॉयर, एक कहानी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटागनिस्ट है। उसका जो एज है वो है 5 एंड 20, 25 ईयर्स ओल्ड है वो। When he was asked his opinion, he said, "The death sentence and the life sentence are equally immoral. But if I had to choose between the death penalty and imprisonment for life, I would certainly choose the second." वो कहता है बहुत ही शांति के साथ, कहता है कि जो डेथ सेंटेंस है वो भी अनैतिक है, इमोरल है, और जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है वो भी है, बट अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं चुनूंगा सेकेंड वन को, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट को चुनूंगा, बोलता है वो। लाइव डिस्कशन अरोज। द बैंकर हु वॉज यंगर एंड मोर नर्वस इन दोज डेज वॉज सडनली कैरीड अवे बाई एक्साइटमेंट। ही स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट एंड शाउटेड एट द यंग मैन। अब ये जो बैंकर है, जो कैरेक्टर है जो इस कहानी के फर्स्ट में आया था, वो हॉस्ट है, वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है, सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और वो टेबल में अपना हाथ को, अपने जो फीस्ट मुट्ठी को ठोकता है और कहता है, नो नो नो, ये ट्रू नहीं है, कहता है, बोलता है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है बिल्कुल भी सही नहीं है, बोलता है। और वो कहता है कि जो डेथ है, जो तुरंत डेथ होती है वही बेटर है, कहता है वो। और अगर तुम इसको साबित कर पाओ कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बेटर है, तो मैं तुमको 2 मिलियंस दूंगा, ऐसा कहता है वो। आई विल बेट यू 2 मिलियंस टू वोट स्टे इन द सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट फॉर 5 ईयर्स। अगर तुम 5 साल रह गए सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में, मेरे इसमें रह गए अंडर में, तो मैं तुमको 2 मिलियन दूंगा। इफ यू मीन दैट इज अर्नेस्ट, सेड द यंग मैन, आई विल टेक द बेट, बट आई वुड स्टे नॉट 5 बट 15 ईयर्स। वो कहता है कि ठीक है, अगर आप जो कह रहे हो सीरियस है, सीरियसली कह रहे हैं कि आप मुझे पैसे देंगे 2 मिलियन, तो मैं 5 साल नहीं, मैं 15 ईयर्स रह के बताऊंगा। 15, डन, क्राइड द बैंकर। बैंकर ने कहा, अच्छा 15, ओके डन, जेंटलमैन, स्टेक 2 मिलियन, अग्रीड, यू स्टेक योर मिलियन एंड आई स्टेक माई फ्रीडम। अब बैंकर कहता है कि मैं 2 मिलियन दांव पे लगाता हूँ, और लॉयर कहता है, ओके तुम मिलियन दांव पे लगाते हो, मैं अपना फ्रीडम दांव पे लगाता हूँ, सेड द यंग मैन। एंड दिस वाइल्ड सेंसलेस बेट वॉज कैरीड आउट। और ये जो सेंसलेस, बिना मतलब का जो बेट था, शर्त था, ये स्टार्ट हो गया। द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्रिवलस विथ मिलियंस बियॉन्ड हिज रेकनिंग वॉज डिलाइटेड एट द बेट। जो बैंकर था वो स्पॉइल्ड था, वो फ्रिवलस था, वो अपने, उसको बहुत ज़्यादा घमंड था, अपने पैसों पे घमंड था, अपने जजमेंट पे घमंड था, और उसके पास बहुत मिलियन थे, लाखों रुपए थे उसके पास, करोड़ों रुपए थे, तो वो बहुत ही खुश हो रहा था कि बहुत ही अच्छी शर्त मैंने लगाई है, इसको मैं तो हरा ही दूंगा बैंकर को, इस तरह से वो सोच रहा था। एट सपर ही मेट फन ऑफ यंग मैन एंड सेड, थिंक बेटर ऑफ इट यंग मैन वाइल देयर इज स्टिल टाइम। फिर खाने का टाइम आता है, सफ़र उन लोग करते रहते हैं, और वो उसको चिढ़ाता है, लॉयर को चिढ़ाता है कि एक बार और सोच लो, और तुम्हारे पास टाइम है और अभी भी समय है, अभी बेट स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसा वो कहता है। टू मी 2 मिलियन इज़ अ ट्रिफल, बट यू आर लॉजिंग 3 और 4 ऑफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई से 3 और 4 बिकॉज यू वोंट स्टे लॉन्गर। वो कहता है एक बार और सोच लो, क्योंकि मेरे लिए जो 2 मिलियन है कुछ नहीं है, मूंगफली की तरह है, बट तुम्हारे ये जो 3 4 साल जो बेस्ट ईयर हैं, तुम्हारे जवानी के ईयर्स हैं, वो चले जाएंगे और तुम फिर से इसको वापस नहीं पाओगे। और मैं 2 3 ईयर्स इसलिए कह रहा हूँ, 3 4 ईयर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम, मुझे पता है कि तुम इससे ज़्यादा ज़्यादा तो रह नहीं पाओगे। डोंट फॉरगेट इधर यू अनहैप्पी मैन दैट वॉलेंटरी कन्फाइनमेंट इज अ ग्रेट डील हार्डर टू बियर देन कंपल्सरी। वो कहता है, और इस बात को मत भूलो दुखी मैन, क्योंकि जो वर्ल्ड, जो आदमी खुद से कॉन्फाइनमेंट लेता है, खुद से जो अपने आप को कैद में रखता है, वो ज़्यादा उसको सहन कर पाना ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी समय लिबर्टी पा सकते हैं। द थॉट दैट यू हैव राइट टू स्टेप आउट इन द लिबर्टी एट एनी मोमेंट विल पॉइजन योर होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन। और ये तुम्हारा जो थॉट, ये आइडिया कि तुम किसी भी समय उस कॉन्फाइनमेंट को, उस जेल को तोड़ के जा सकते हो
और अपने आप को आजाद कर सकते हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी को पॉइजन कर देगा, जहर घोल देगा तुम्हारी जिंदगी में। आई एम सॉरी फॉर यू। एंड नाउ द बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो रिमेंबर्ड ऑल दिस एंड आस्क हिमसेल्फ। अब ये जो फिर से आ जाता है अपने जो ओरिजिनल प्रेजेंट में आ जाता है बैंकर, और वो इधर से उधर घूम रहा है अपने स्टडी में और सोच रहा है, ये सबको सोच रहा है ऐसा जो हुआ था। व्हाट वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पेट, व्हाट इज द गुड ऑफ दैट मैंस लॉसिंग 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड माई थ्रोइंग अवे 2 मिलियन। वो बोलता है अरे बाप रे, ये सब क्या बकवास का मैंने बेट लगा लिया, शर्त लगा लिया, इस सब का क्या मतलब है। बोलता है कि मैं वो जो इंसान है अपना 15 साल गंवा दिया, मैं अपना 2 मिलियन गंवा दूंगा, इसका कुछ कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कैन इट प्रूव दैट द डेथ पेनाल्टी इज बेटर और वर्स देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ? नो नो, इट ऑल वॉज नॉन सेंसिकल एंड मीनिंगलेस। वो कहता है कि क्या ये जो हमारा जो शर्त है कुछ प्रूव कर पाएगा कि लाइफ प्रिजनमेंट बेटर है कि डेथ पेनाल्टी बेटर है? ये कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगा, ये सब नॉनसेंस है और मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका। ऑन माई पार्ट इट वॉज द कैप्रीस ऑफ पैम्पर्ड मैन एंड ऑन हिज पार्ट सिंपल ग्रीड फॉर मनी। वो कहता है मेरी तरफ से तो मैं उस समय बहुत घमंडी था, बहुत ज़्यादा मेरे को अपने जजमेंट पे घमंड था, अपने पैसे पे घमंड था, तो मैं ये शर्त लगा दिया। और उसके पार्ट में उसको मनी का लालच था, उसको ग्रीड था, इसलिए उसने इस शर्त पे राजी हो गया। देन ही रिमेम्बर्ड व्हाट फॉलोड द इवनिंग। फिर उसको याद आया उस समय उससे आगे क्या हुआ, उस इवनिंग के बाद क्या हुआ। इट वॉज डिसाइडेड दैट द यंग मैन शुड स्पेंड ईयर्स ऑफ हिस कैप्टिविटी अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन इन वन ऑफ द लॉज इन द बैंकर्स गार्डन। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, बैंकर याद करता है कि उसके बाद क्या हुआ, शर्त का जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ। अब ये डिसाइड हुआ कि जो जो लॉयर है वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रहेगा, लोग उसकी रखवाली करेंगे कि कहीं वो उस कैप्टिविटी को तोड़ ना दे। और उसको उसके जो बैंकर का एक गार्डन था, गार्डन के एक सेशन था, किनारे का जो सेशन था उसमें एक रूम था, उसमें उसको रहना था। इट वॉज एग्रीड दैट द फॉर 15 ईयर्स ही शुड नॉट बी फ्री टू क्रॉस द थ्रेश होल्ड ऑफ द लॉज, टू सी ह्यूमन बींग, टू हियर द ह्यूमन वॉइस और टू रिसीव लेटर्स इन न्यूज़ पेपर। और ये एग्री हुआ, एग्रीमेंट हुआ, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 15 ईयर्स के लिए वो उस रूम में रहेगा, सॉलिटरी रूम में रहेगा, और उसकी दहलीज को पार नहीं करेगा, थ्रेशोल्ड को पास पार नहीं करेगा, और किसी ह्यूमन बींग से नहीं मिलेगा, किसी ह्यूमन वॉइस को भी नहीं सुनेगा, कोई लेटर्स नहीं रिसीव करेगा, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, प्रेजेंस से उसका पूरा कॉन्टैक्ट हट जाएगा। ही वॉज अलाउड टू हैव ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बुक्स एंड वॉज अलाउड टू राइट लेटर्स, टू ड्रिंक वाइन एंड टू स्मोक। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसको अलाउ होंगी, उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सुनना अलाउड होगा, उसको बुक्स अलाउड होगा, जितने भी बुक वो चाहे। वो लेटर लिख सकता था बट लेटर आ नहीं सकता था, दूसरी तरफ से लेटर आ नहीं सकता था। वो वाइन पी सकता था, वो शराब पी सकता था, वो स्मोक कर सकता था, बट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द ओनली रिलेशंस ही कुड हैव विथ आउटर वर्ल्ड वेयर बाई ए लिटिल विंडो मेड पर्पसली फॉर द ऑब्जेक्ट। और ये जो सारे जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट था, सारे जो टर्म्स थे वो किसके जरिए पूरे होने थे, एक विंडो था उस रूम में, सब तरफ बंद था, लॉक था, सिर्फ एक छोटा सा विंडो था, उसी के थ्रू उसको बुक्स मिलेगा, उसी के थ्रू उसको खाना मिलेगा, उसी के थ्रू उसको सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो उसको एकदम जरूरी है वो मिलेगा। वो उसी उद्देश्य से वो विंडो बनाया गया था। ही माइट हैव एनी थिंग ही वॉन्टेड, बुक्स, म्यूजिक, वाइन एंड सो ऑन इन एनी क्वान्टिटी डिजायर्ड बाई राइटिंग एन ऑर्डर, बट कुड ओनली रिसीव देम थ्रू द विंडो। उसे कुछ भी मिल सकता था, बुक्स मिल सकता था, म्यूजिक, वाइन, शराब, और किसी भी क्वान्टिटी में, कोई उसका लिमिट नहीं था कि बुक्स इतने ही मिलेंगी, वाइन इतना ही मिलेगा, अनलिमिटेड क्वान्टिटी अलाउड था। वो एक बस ऑर्डर लिख सकता था, एक लेटर लिख सकता था, उसको जितना चाहे उसको मिल सकता था। बैंकर काफ़ी रिच मैन था, उसको प्रोवाइड कराता सारा चीज़, बट सब कुछ उसको मिलेगा विंडो के थ्रू, कोई इंसान उसको देने नहीं आएगा, डोर से भी देने नहीं आएगा। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर एवरी डिटेल एंड एवरी टिफल दैट वुड मेक हिम इम्प्रिजनमेंट, मेक हिज इम्प्रिजनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी एंड बाउंड द यंग मैन टू स्टे देयर एग्जैक्टली 15 ईयर्स, बिगनिंग फ्रॉम 12 o'clock ऑफ नवम्बर 14, 1870 एंड एंडिंग एट द 12 o'clock ऑफ नवम्बर 14, 1885। तो एग्रीमेंट प्रोवाइड हुआ, एग्रीमेंट बना,
उसमें सब कुछ माइन्यूट डिटेल्स लिखा गया था, छोटी से छोटी डिटेल्स, छोटा से छोटा डिटेल्स लिखा गया था कि क्या क्या रहेगा, उसका शर्त क्या रहेगा, और यंग मैन को उस शर्तों से बांध दिया गया। एग्जैक्टली 15 ईयर्स के लिए वहाँ रहेगा। जो शर्त की जो टाइमिंग शुरू होती थी वो था 12 बजे से, नवंबर 12 बजे, 14 नवंबर 12 बजे 1870 से 14 नवंबर 1885 तक। ओके, और द स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू ब्रेक द कंडीशंस, इफ ओनली 2 मिनट्स बिफोर द एंड रिलीज द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम द 2 मिलियन। अब अगर जरा सा भी कुछ चूक हो जाती, जरा सा भी उसमें कोई, अगर वो कह आ जाता 2 मिनट पहले आ जाएगा, पहले आ जा, शर्त को तोड़ देगा, तो जो बैंकर को देना है 2 मिलियन रुपीज़, उसको जो देना है 2 मिलियन रूबल्स देना एक्चुअल में, तो उस शर्त से वो अपने आप को हटा सकता था, मतलब वो बाध्य नहीं रहेगा उसको 2 मिलियन रूबल्स देने को। फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट, एज फार एज वन कुड जज फ्रॉम हिज ब्रीफ नोट्स, द प्रिजनर सफर्ड सीवियरली फ्रॉम द लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। अब शुरू उसका जो शर्त शुरू हो गया बेचारे का, लॉयर का, और पहले 5 साल तो उसका जो कॉन्फाइनमेंट था बहुत, उसका जो बहुत ही बुरी तरह से गुजरा। और उस वो जो उस नोट्स लिखता था, वो मतलब वो अपने लेटर्स लिखता था, बैंकर को लेटर्स लिखता था और दूसरों को लेटर्स लिखता था, उससे पता चलता था कि उसकी कंडीशन क्या है। और जो प्रिजनर बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहा लोनलीनेस से, डिप्रेशन से, अकेलेपन से। द साउंड ऑफ द पियानो कुड बी हर्ड कॉन्टिन्यूअली डे एंड नाइट फ्रॉम हिज लॉज। जो पियानो का साउंड था, पियानो था उसको प्रोवाइडेड था, उसका जो आवाज़ था कंटिन्यूस उसके रूम से आ रहा था। ही रिफ्यूज वाइन एंड टोबैको, वो रिफ्यूज़ कर दिया था कि उसको वाइन नहीं चाहिए, उसको टोबैको नहीं चाहिए, उसको तंबाकू नहीं चाहिए। वाइन ही रोट एक्साइट्स द डिजायर्स, एंड डिजायर्स आर द वर्स्ट फोर्स ऑफ द प्रिजनर, एंड बिसाइड्स नथिंग कुड बी मोर ड्रेरी देन ड्रिंकिंग गुड वाइन एंड सीइंग नो वन। अब वो कहता है कि जो वाइन है उसको वो आदमी के अंदर में डिजायर्स उत्पन्न करता है, इट मे बी सेक्सुअल, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी इमोशनल। और ये जो डिज़ायर है इंसान का सबसे बुरा शत्रु है, फो है, और इससे इंसान की जो ज़िंदगी है और बहुत ही बुरी हो जाती है। और कहता है कि जो अच्छी वाइन को तब मज़ा आता है जब आपके साथ कोई हो, पीने वाला हो, आपके साथ हो, जिसको आप बात कर सकते हैं, तब मज़ेदार रहता है, लेकिन अकेले इसको पीना कोई मज़ेदार नहीं है। एंड टोबैको स्पॉइल द एयर ऑफ इस रूम, और अगर वो टोबैको खाए और या फिर सिगरेट पिए तो उससे क्या होगा, उसका जो रूम का जो एयर है बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाएगा। उसके पास सिर्फ एक ही खिड़की थी जिससे एयर पास हो रहा था, और उस छोटे से रूम में अगर वो स्मोकिंग करेगा या टोबैको लेगा तो उसका जो एयर है बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जाएगा। इन द फर्स्ट ईयर द बुक ही सेंट फॉर वेयर प्रिंसिपली ऑफ लाइट कैरेक्टर नॉवेल्स विथ इज कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट, सेंसेशनल एंड फैंटास्टिक स्टोरीज एंड सो ऑन। अब उसको तो पूरा अलाउड था कि वो कोई भी बुक ऑर्डर कर सकता था, तो पहला साल जब उसका गुजरा तो बहुत ही लाइट लाइट हार्टेड वो बुक्स मंगाया, जिसमें कुछ कुछ लव स्टोरीज हो, सेंसेशनल स्टोरीज हो, फैंटास्टिक स्टोरी हो, काल्पनिक कहानियाँ हों जो मज़ेदार हों, इस तरह से वो ऑर्डर किया, उसको मिला और वो पढ़ा भी, उसको बहुत ही चाव से पढ़ा वो। इन द सेकेंड ईयर द पियानो वॉज साइलेंट इन द लॉज एंड द प्रिजनर आस्ट ओनली फॉर द क्लासिक्स। और पहले साल तो पियानो बजाता था, उसको पियानो बजाने में मज़ा आता था, उसका आवाज़ आता था बाहर तक, लोग उसको सुनते थे। और ये जो बैंकर था बहुत ही चालाक था, वो उसको पूरा, उसको एक मॉनिटर भी कर रहा था कि वो जो अपने शर्त को पूरी तरह से पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं कुछ उसमें चूक तो नहीं हो रही है, इस तरह से मॉनिटर भी करता था। आसपास लोग घूमते रहते थे जो उस चीज को ऑब्जर्व कर सके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। एंड इन द सेकेंड ईयर द पियानो वॉज साइलेंट इन द लॉज, पियानो की आवाज़ नहीं आने लगी, वो पियानो बजाना छोड़ दिया। एंड द प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर द क्लासिक्स, वो सिर्फ क्लासिक्स बुक्स मांगता था, एकदम मतलब बहुत ही गंभीर पुस्तक, बहुत ही ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ पुस्तक मांगता था वो। इन द फिफ्थ ईयर म्यूजिक वॉज ऑडिबल अगेन एंड द प्रिजनर आस्ट फॉर वाइन। और जब फिफ्थ ईयर आया तो जो म्यूजिक म्यूजिक जो था पियानो का म्यूजिक और दूसरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो था वो फिर से आने लगा, उसको फिर से म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा। और प्रिजनर
जो था वो कैदी जो था लॉयर जो था वो वाइन के लिए डिमांड किया, उसको वाइन चाहिए थी। पहले तो उसको वाइन नहीं चाहिए थी, लेकिन इंसान समय के साथ बदलता है, वो भी बदल रहा था, हर साल बदल रहा था, हर दिन बदल रहा था, उसको ना वो वाइन चाहिए था। दोज हु वॉच्ड हिम थ्रू द विंडो सेड दैट ऑल दैट ईयर ही स्पेंट डूइंग नथिंग बट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड लाइंग ऑन हिज बेड फ्रिक्वेंटली यॉर्निंग एंग्रीली टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अब जो लोग उसकी निगरानी कर रहे थे उन लोग कहते हैं कि विंडो से, मतलब उन लोग देख रहे थे, कहीं से भी देख रहे थे थ्रू द विंडोज की उसको। उस समय उस साल वो कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ खाना खाता था, ड्रिंकिंग करता था और बेड में सो जाता था और जम्हाई लेता था, यॉर्निंग करता था और अपने अपने आप को बहुत ही गुस्से से अपने आप से बात करता था, बड़बड़ाता था वो। ही डिड नॉट रीड बुक्स, उस साल वो बुक्स नहीं पढ़ा। समटाइम्स एट नाइट ही वुड सिट डाउन टू राइट, कभी रात में उठा कुछ लिखने लगा। वुड स्पेंड आवर्स वे आर राइटिंग एंड इन द मॉर्निंग चीयर अप ऑल दैट ही हैड रिटन। रात को लिखता था लिखता था और सुबह होता था तो वो सारा जो लिखा रहता था इतने मेहनत से उसको फाड़ देता था। वो एक तरह से पागलपन के भी लक्षण आने लग गए थे उसके में। अब इंसान अकेला रहेगा तो पागल तो हो ही जाएगा। मोर देन वंस ही कुड बी हर्ड क्राइंग, और एक बार भी नहीं, एक बार से कितने बार ज़्यादा वो उसको लोग रोते हुए सुन सकते थे। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स्थ द प्रिजनर बिगेन जेलसली स्टडिंग लैंग्वेजेस फिलोसफी एंड हिस्ट्री। अब आ गया सिक्स्थ ईयर, आ गया सिक्स्थ ईयर का सेकेंड हाफ ईयर आ गया, सिक्स्थ एंड हाफ ईयर आ गया। और जो प्रिजनर था बहुत ही ज़्यादा जेलसली, मतलब एकदम एक्साइट होके वो लैंग्वेजेस का स्टडी करने लगा, फिलोसफी पढ़ने लगा, दर्शन पढ़ने लगा, हिस्ट्री पढ़ने लगा। ही थ्री हिमसेल्फ ईगरली इन टू दीज स्टडीज सो मच सो दैट द बैंकर हैड इनफ टू डू टू गेट हिम बुक्स ही ऑर्डर। और वो उसको इस तरह से पढ़ता था कि बैंकर को प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता था, मतलब वो उसको प्रोवाइड करने में मुश्किल हो जा रहा था कि कैसे बुक लाए, कहाँ से ऑर्डर करे, कैसे उसको प्रोवाइड कराए, क्योंकि ये तो शर्त के हिसाब से उसको चाहे जितना भी डिमांड करे उसको देना ही था। इन द कोर्स ऑफ 4 ईयर्स सम 600 वॉल्यूम्स वर प्रोक्योर्ड एट हिज रिक्वेस्ट। अब 6 साल गुजर गए, नहीं, जब 4 ईयर्स गुजर गए और इस 4 साल के अंदर में उसने 600 वॉल्यूम्स पढ़ लिए और उसके जो रिक्वेस्ट मिला, रिक्वेस्ट किया साला का सारा उसको मिला। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द बैंकर रिसीव द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम हिज प्रिजनर। अब इस दौरान बैंकर को अपने प्रिजनर से रिक्वेस्ट मिला। माई डियर जेलर, आई राइट यू दिस लाइन्स इन 6 लैंग्वेजेस। शो देम टू पीपल हु नोज द लैंग्वेजेस, लेट देम रीड देम एंड इफ दे फाइंड नॉट वन मिस्टेक आई इम्प्लोर यू टू फायर अ शॉट इन द गार्डन। अब उसका लेटर आया कि मेरे प्यारे जेलर जेलर, मैंने ये जो लाइंस लिखी है, कुछ लाइंस लिखा था वो 6 लैंग्वेजेस में, अलग अलग 6 लैंग्वेजेस में लिखा गया है, क्योंकि वो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के बुक्स पढ़ता था तो उसको कई लैंग्वेजेस आ गई थी। और कहता है कि जो इस लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं उनको इस लेटर को दिखाओ और उनको कहो कि ये डीपली रीड करें, और अगर उनको जरा सा भी एक सिंगल मिस्टेक नज़र आ जाए उसमें तो मुझे बताओ, और अगर मिस्टेक ना नज़र आए तो प्लीज़ गार्डन में गन फायर शॉट करो, और ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा जो जो ये जो लेटर है वो फ्लॉलेस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दैट शॉट विल शो मी दैट माई एफर्ट्स हैव नॉट बीन थ्रोन अवे, और ये जो फायर शॉट होगा उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे जो प्रयास हैं वो खाली नहीं गए हैं और मैं लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो गया हूँ। द जीनियसिस ऑफ ऑल एजेस एंड ऑफ ऑल लैंड स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस बट द सेम फ्लेम बर्न्स इन देम ऑल। वो कहता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस लोग, अलग अलग के लैंग्वेज के लोग होते हैं और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन उन सब में एक ही आत्मा होती है, एक ही जीनियस होता है। भगवान सबको एक बुद्धि देता है जो सभी में होता है। ओह इफ यू ओनली न्यू वॉट अन अर्थी हैप्पीनेस माई सोल फील्स नाउ फ्रॉम बींग एबल टू अंडरस्टैंड देम। अब मेरे जो जो मेरी आत्मा है, जो मेरी आत्मा में जो हैप्पीनेस है उसको सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। इन सबको समझने के बाद जो मैं खुशी मुझे मिली है इसको सिर्फ मैं ही बयान कर सकता हूँ और कोई नहीं जान सकता कितना खुश मैं हुआ हूँ। द प्रिजनर डिजायर वॉज फुलफील्ड, द बैंकर ऑर्डर 2 शॉट्स टू बी फायर्ड इन द गार्डन। प्रिजनर का जो डिज़ायर था
वो पूरा हो गया, इसका मतलब उसके लेटर में कोई फॉल्ट नहीं था, वो उसका लैंग्वेज एक्सपर्ट बन चुका था, वो उसने जो चाहा वो हो गया। देन आफ्टर द 10th ईयर द प्रिजनर सैट इमोबली एट द टेबल एंड रीड नथिंग बट गॉस्पेल। फिर 10th ईयर आ गया, 10वां साल आ गया, अब प्रिजनर उस समय कुछ नहीं पढ़ा सिवाय एक गॉस्पेल की, गॉस्पेल बाइबल का होता है, न्यू टेस्टामेंट होता है, उसने उसको पढ़ा। ये पतली बुक होती है। इट सीम्स स्ट्रेंज टू बैंकर दैट मैन हु इज 4 ईयर्स हैड मास्टर्ड 600 लर्न्ड वॉल्यूम्स शुड वेस्ट नियरली ईयर ओनली वन थिन बुक इजी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अब ये बैंकर को बहुत ही आश्चर्य हुआ, एक इंसान ने 4 साल में 600 वॉल्यूम पढ़ ली, बहुत से इतने सारे वॉल्यूम पढ़ लिया 4 साल में, और इतना, और एक दूसरे ईयर में सिर्फ एक ही वॉल्यूम पढ़ पाया, एक ही छोटा सा बुक पढ़ पाया, वो जो भी पतली सी है और जो भी बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, थियोलॉजी एंड हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजन फॉलोड द गॉस्पल्स। अब इसके बाद गॉस्पल के बाद उसने थियोलॉजी के बुक्स मांगे, धर्म के बुक मांगे, हिस्ट्रीज के बुक्स मांगे, रिलीजन्स के बुक्स मांगे। इन द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ हिज कन्फाइनमेंट द प्रिजनर रीड एन इमेंस क्वान्टिटी ऑफ बुक्स क्वाइट इनडिस्क्रिमिनेटली। अब उसका जो आखिरी का जो 2 साल था कन्फाइनमेंट का, प्रिजनर ने इमेंस क्वांटिटी मांगी बुक्स की, कोई क्वांटिटी का उसका हिसाब नहीं था, इतना ज़्यादा मांगा इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब सोचे बगैर ही, मतलब लोग सोच नहीं सकते थे इतना ज़्यादा कोई बुक कैसे पढ़ सकता है। अब उसके पास कुछ और काम ही नहीं था और वो एक्सपर्ट बन चुका था रीडिंग का, राइटिंग का। एट वन टाइम ही वॉज बिजी विथ नेचुरल साइंसेस देन ही वुड आस्क फॉर बायरन और शेक्सपियर। कभी वो बिजी रहता था नेचुरल साइंसेस की बुक्स पढ़ने में, तो कभी वो बायरन और शेक्सपियर, फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बुक्स पढ़ता था। बायरन अगेन बिलोंग टू 19th सेंचुरी, फेमस राइटर। देयर वेयर नोट्स इन विच ही डिमांडेड एट द सेम टाइम बुक्स ऑन केमिस्ट्री एंड मैनुअल ऑफ मेडिसिन एंड नॉवेल्स एंड सम ट्रीटाइज ऑन फिलोसफी और थियोलॉजी। फिर वो नोट्स मांगता था, डिमांड करता था कि मुझे इस तरह के बुक चाहिए जो केमिस्ट्री पे हो, मेडिसिन पे हो, और नॉवेल्स चाहिए मुझे, ट्रीटाइज चाहिए, छोटी छोटी बुक्स होती है ट्रीटाइज, जो फिलोसफी पे हो, जो धर्म पे हो, थियोलॉजी पे हो। हिज रीडिंग सजेस्टेड ए मैन स्विमिंग इन द सी अमॉन्ग द रेकेज ऑफ द हिज शिप एंड ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ बाई ग्रीडिली क्लचिंग फर्स्ट एट वन स्पार एंड देन एट अनदर। अब उसका जो रीडिंग था, जो रीडिंग का उसका जो पैटर्न था, वो ऐसे सजेस्ट करता था कि कोई इंसान स्विमिंग कर रहा हो, समुद्र में स्विमिंग कर रहा हो, और वहाँ पे छोटे छोटे शिप्स के टुकड़े बिखरे पड़े हों, और वो अपनी लाइफ को बचाना चाह रहा हो, और वो डूब रहा हो, कभी किसी टुकड़े को पकड़ रहा हो, कभी किसी टुकड़े को पकड़ रहा हो, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो इस तरह से वो डूब रहा हो, वो एकदम एंग्रीली, एकदम ग्रीडीली पढ़ रहा था, कभी कुछ पढ़ रहा था, मतलब कोई हिसाब नहीं था, कभी थियोलॉजी पढ़ा, कभी लिटरेचर पढ़ा, कभी रिलीजन पढ़ा, कभी केमिस्ट्री पढ़ा, कभी फिजिक्स पढ़ा, इस तरह से अपनी लाइफ को बचाना चाह रहा था, किसी तरह से अपने आपकी लाइफ को सेव करना चाहता था, किसी तरह अपने आप को पागलपन से बचाना चाह रहा था वो। द ओल्ड बैंकर रिमेंबर्ड ऑल दिस एंड थॉट टुमारो एट 12 o'clock ही विल अगेन हिज फ्रीडम। अब अगेन कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, बैंकर ये सारा चीज़ सोचते रहता है और कहता है कि टुमारो एट 12 o'clock वो अपना फ्रीडम पा लेगा। बाई आवर एग्रीमेंट आई आउट टू पे हिम 2 मिलियन, और जैसा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है मुझे पे करने पड़ेंगे 2 मिलियन। इफ आई डू पे हिम इट इज ऑल ओवर विथ मी, आई शैल बी अटरली रुइंड। अगर मैं उसे पे कर दिया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, पूरी तरह से मेरी जो स्थिति है रुइन हो जाएगी। 15 ईयर्स बिफोर हिज मिलियंस हैड बीन बियॉन्ड हिज रेकनिंग, नाउ ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ विच वर ग्रेटर हिज डेब्ट और हिज एसेट्स। अब ये जो 15 ईयर्स पहले की जो बात थी, वो मिलेनियर था, उसके पास इतने पैसे थे कि वो काउंट नहीं कर सकता था, बट अब अभी वो अपने आप से पूछने से भी डरता है उसके पास ज़्यादा क्या है, धन दौलत ज़्यादा है कि उसके पास डेब्ट ज़्यादा है, उसके पास जो उधार ज़्यादा है। डेस्परेट गैम्बलिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वाइल्ड स्पेकुलेशंस एंड द एक्साइटेबिलिटी विच ही कुड नॉट गेट ओवर इवन इन द एडवांसिंग ईयर्स हैड बिन डिग्री
led to the decline of his fortune, and the proud, fearless, self-confident millionaire had become a banker of middling rank, trembling at every rise and fall in his investment. अब वो कहता है ये सारी उसके पास बुरी आदतें थी, बुरी आदतों ने उसका ज़िंदगी बर्बाद कर रखा था. वो गैम्बलिंग करता था, वो जुआ खेलता था, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पे पैसे लगाता था, और जो बिजनेस के फॉल्टी स्पेकुलेशंस करता था, अनुमान कुछ और लगाता था, हो कुछ और जाता था, उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और उसका जो एक्साइटमेंट था वो कुछ कुछ उसके में बहुत ही बुरी बुरी आदतें थी जिसकी वजह से भी उसके में पैसे जा रहे थे उसके, और जो उसका जो लगातार उसका जो फॉर्चून है उसका डिक्लाइन हो रहा था, उसका जो भाग्य ढलान पे था, और एक एक घमंडी, एक निडर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट मिलेनियर जो एक समय था वो एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया था. अब उसके पास एक कुछ सिवाय एक छोटे मामूली से बैंकर के उसके अलावा कुछ नहीं था. ऐसा बैंकर जो कि छोटे से भी अगर इन्वेस्टमेंट किया हो और उसको मार्केट में कुछ चेंजेस आ जाए तो डरता था, अरे मेरा पैसा डूब जाएगा, क्या होगा. इस तरह से उसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुका था, उसका समय बदल चुका था. कर्स्ड बैट, मर्टर द ओल्ड मैन, क्लचिंग हिज हेड इन द डिस्पेयर. व्हाई डिडंट दैट मैन डाई? ही इज ओनली 40 नाउ. He will take my last penny from me. He will marry, will enjoy life, and will gamble on the exchange, while I shall look at him with envy like a beggar. अब वो उसके में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं. एक cursed bet, वो अभिशप्त शर्त बोलता है, बुदबुदाता है, अपने हेड को पकड़ लेता है, निराशा से कहता है ये आदमी मर क्यों नहीं जाता. वो सिर्फ 40 साल का है और वो मेरा सारा का सारा एक अंतिम पेनी तक ले जाएगा मेरा, और अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, शादी करेगा, और एक स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाएगा, जुआ खेलेगा, और मुझे देखेगा, मुझे एक गरीब बनते देखेगा, मुझे एक भिखारी बनते देखेगा, और हियर फ्रॉम हिम एवरी डे द सेंटेंस, आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, लेट मी हेल्प यू. और मुझे कहेगा कि मैं मेरे जो सारे जो सुख सुविधाएँ आप ही की वजह से है, मैं आपके लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, और चलो मैं आपकी मदद कुछ कर सकता हूँ, इस तरह से वो मुझे कहेगा. ये सब वो सोच रहा है. द वन मीन्स ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम द बैंक्रप्सी एंड डिसग्रेस इज द डेथ ऑफ दैट मैन. एक ही बात है जो मुझे इस चीज़ से बचा सकती है, इस बैंक्रप्सी, इस दिवालियेपन से बचा सकती है, और इस डिसग्रेस से बचा सकती है, इस वो है डेथ, उस आदमी का डेथ, उस आदमी को का मर्डर. इट इज स्ट्रक 3 o'clock. द बैंकर लिसेंड. 3 बज गए. एवरी वन वॉज अस्लीप इन द हाउस एंड नथिंग कुड बी हर्ड. सब कोई उस घर में सो रहे थे, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था आउटसाइड बट रसलिंग ऑफ द चिल ट्री. जो बर्फ से ढके जो ट्री थे वही रसल कर रहे थे, उसमें से सरसर सरगर की आवाज़ आ रही थी ट्रीज से. ट्राइंग टू मेक नो नॉइज, he took from a fireproof safe the key of the door which had not been opened for 15 years, put on his overcoat and went out of the house. ab wo bina kuch shor kiye ek safe tha uske paas, fireproof safe tha, usme se usne key nikali door ki, us solitary confinement wale jo door ki key nikali, aur जिसको उसको खोलना था, जो कि अभी तक उसने 15 इयर्स के लिए यूज़ नहीं की थी, और अपना ओवरकोट निकाला और उस हाउस से बाहर चला गया, आउट हाउस चला गया, जहाँ पर गार्डन के पास में जहाँ पर लॉयर बंद था. इट वॉज डार्क एंड कोल्ड इन द गार्डन. गार्डन में डार्क था, पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था, कोल्ड था, काफ़ी कोल्ड था. रेन वॉज फॉलिंग, बारिश हो रही थी. डैम्प कटिंग विंड वॉज रेसिंग अबाउट द गार्डन. और एक हवा चल रही थी जो बहुत ज़्यादा, मतलब गार्डन में सरसर करके आवाज़ आ रही थी. हाउलिंग एंड गिविंग द ट्रीज नो रेस्ट. और वो ट्रीज़ को शांत होने नहीं दे रही थी. ट्रीज हवा से इधर से उधर झूल रहे थे. द बैंकर स्ट्रेन्ड हिज आईज बट कुड सी नीदर द अर्थ नॉर द वाइट स्टैचूस नॉर द लॉज नॉर द ट्रीज. बैंकर ने अपने आईज पे जोर दिया बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया,
कहीं भी इतना अंधेरा था, घुप अंधेरा था, ना कहीं जमीन दिख रही थी, ना कहीं स्टैचूज दिख रहे थे जो उसके गार्डन में थे, ना लॉज दिख रहा था, ना रूम दिख रहा था, ना ट्रीज दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। गोइंग टू द स्पॉट वेयर द लॉज स्टूड, ही ट्वाइस कॉल द वॉचमैन, वहाँ वॉचमैन भी था गार्डन में। नो आंसर फॉलोड, मतलब पहले बैंकर ने अप्लाई कर रखा था वॉचमैन को। नो आंसर फॉलोड, एविडेंटली द वॉचमैन हैड सॉट शेल्टर फ्रॉम द वेदर एंड वॉज नाउ अस्लीप समवेयर, इधर इन द किचन और इन द ग्रीन हाउस। अभी एविडेंट था, ये जाहिर था कि जो वॉचमैन भी नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खराब था, उसने सोचा कि उसने भी कहीं खराब मौसम से शेल्टर ले लिया हो, आश्रय ले लिया हो। मे बी ही स्लीपिंग इन द किचन और इन द ग्रीन हाउस। इफ आई हैड द प्लक टू कैरी आउट माई इंटेंशन, थॉट द यंग मैन ओल्ड मैन, सस्पिशन वुड फॉल फर्स्ट अपॉन द वॉचमैन। वो कहता है अगर मैं मुझे हिम्मत हो गई इसको मारने की, तो वो जो सस्पिशन है, मर्डर का सस्पिशन है, जो जो शक है, वो सबसे पहले तो वॉचमैन पर ही जाएगा, मेरे पर शक नहीं जाएगा। ही फेल्ट इन द डार्कनेस फॉर द स्टेप्स एंड डोर्स एंड वेंट इन द एंट्री ऑफ द लॉज। वो डार्कनेस में जाने लगा, स्टेप्स द डोर, डोर के स्टेप्स में जाने लगा और लॉज में चला गया जिस सेक्शन में लॉयर कैद था। देन ही ग्रॉप्ड हिज वे इन टू द लिटिल पैसेज एंड लाइटेड ए मैच। फिर वो ग्रॉपिंग ग्रॉपिंग करते करते आगे बढ़ने लगा, मतलब वो टटोलते टटोलते आगे बढ़ने लगा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, घुप अंधेरा था। और उसने एक मैच जलाई, मैच स्टिक जलाई, अपना जो माचिस जलाई। देर वॉज नॉट ए सोल देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई इंसान कोई नहीं था। देर वॉज ए बेड स्टेड विथ नो बेडिंग ऑन इट, एक बेड स्टेड था, बेड दिख रहा था लेकिन कोई उसमें बेडिंग, उसमें जो गद्दे थे और जो चादर था, वो सब कुछ नहीं दिखा रहे दे रहा था। इन द कॉर्नर देर वॉज अ डार्क कास्ट आयरन स्टोव, और किनारे में एक कास्ट आयरन का स्टोव रखा था। कास्ट आयरन मतलब जो काले कलर का जो आयरन होता है। द सील ऑन द डोर लीडिंग टू द प्रिजनर रूम वर इंटैक्ट, और ये जो सारा जो सामान था वो ये वॉचमैन का सामान था वहाँ पर, मतलब वॉचमैन भी नहीं था, वॉचमैन का जो बिस्तर था वो भी नहीं था, क्योंकि वॉचमैन ने अपना बिस्तर कहीं और लगा लिया था। फिर द सील ऑन द डोर, जो डोर जो उसने ताला लगाया था लॉयर के दरवाजे के बाहर, उसमें सील टूटी हुई भी नहीं थी, सील पूरी इंटैक्ट थी, 15 साल से जस के तस। व्हेन द मैच वेंट आउट द ओल्ड मैन ट्रेवलिंग विथ इमोशंस पीप्ड थ्रू द लिटिल विंडो। फिर एकदम एक्साइटेड था वो, क्योंकि वो मर्डर करने जा रहा था, उसको डर भी रहा था, कांप भी रहा था वो। उसने विंडो से झांका, अ कैंडल वॉज बर्निंग डिमली इन द प्रिजन रूम, और उस रूम में एक कैंडल जल रहा था प्रिजन के रूम में, और वो बहुत ही डिम कैंडल था, बहुत ही धीरे धीरे जल रहा था। ही वॉज सिटिंग ऑन एट द टेबल, वो टेबल पे बैठा हुआ था प्रिजनर, प्रिजनर मतलब लॉयर। नथिंग कुड बी सीन बट हिज बैक, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उसके बैक के। द हेयर ऑन हिज हेड, उसके जो बाल थे उसके हेड में वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो पीछे तरफ से देख रहा था। एंड हिज हैंड्स, उसके हाथ दिखाई दे रहे थे। ओपन बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टू इजी चेयर्स एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल। 5 मिनट्स पास्ट एंड द प्रिजनर्स डिड नॉट वंस स्टर। 5 मिनट तक ऑब्जर्व करता रहा वो, 5 मिनट गुजर गए लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ, प्रिजनर ने कोई जरा सा भी नहीं हिला बेचारा। 15 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हैड टॉट हिम टू सिट स्टिल, जो 15 ईयर्स के जो इम्प्रिजनमेंट था वो उसको उसको एकदम सीधा शांत रहना सिखा दिया था। द बैंकर स्टेप्ड एट द विंडो एंड हिज फिंगर एंड द प्रिजनर मेड नो मोमेंट वॉट एवर इन द रिस्पॉन्स। उसने टैप किया, टैप टैप आवाज किया विंडो पे, लेकिन कोई मोमेंट नहीं हुआ, प्रिजनर जरा सा भी नहीं हिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि उसको लगा हो कि कोई टैप टैप कर रहा हो तो वो पीछे पलट के देखे। देन द बैंकर कॉशसली ब्रोक द सील ऑफ द डोर एंड पुट द की इन द होल। फिर बैंकर ने उस ताले की चाबी खोलने का प्रयास किया। द रस्टी लॉक गेव ए ग्रैटिंग साउंड, अब वो जंग लग गए थे, ताले में जंग लग गया था, ग्रैटिंग साउंड हो रहा था। एंड डोर क्रीक, जब वो दरवाजा खोला तो डोर भी चीं करके बजा।
द बैंकर एक्सपेक्टेड टू हियर एट वंस फुटस्टेप्स एंड क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, बट 3 मिनट्स पास्ड एंड वॉज एज क्वाइट एज एवर इन द रूम। अब बैंकर को तो एक्सपेक्टेशन थी, वो सोचा था कि जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा आवाज़ आएगी, वो जो लॉयर था वहाँ पर एकदम आश्चर्य में पड़ जाएगा, एस्टोनिशमेंट में पड़ जाएगा और वो आएगा यहाँ पर। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 मिनट पास हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। जो रूम में जो शांति पहले थी वही शांति बरकरार थी। ही मेड अप हिज माइंड टू गो इन, वो जाने का मन बना लिया। एट द टेबल अ मैन अनलाइक ऑर्डिनरी पीपल वॉज सिटिंग मोशनलेस। एक टेबल था, टेबल के पास चेयर था, वहाँ पर वो जो मैन था, लॉयर था, एकदम मोशनलेस सिट था, मतलब वो बिना हरकत के वो बैठा था। ही वॉज अ स्केलेटन विद द स्किन ड्रॉन टाइट ओवर हिज बोन्स, वो एकदम दुबला पतला हो गया था, एकदम हड्डी का ढांचा हो गया था। विथ अ लॉन्ग कर्ल्स लाइक ए वुमेंस एंड ए शैगी बियर्ड्स, उसका जो कर्ल्स थे वो, उसके बाल बहुत ही लंबे हो गए थे, घुंघरालू हो गए थे, जैसे कोई वुमेन के बाल हों। और उसके जो बियर्ड बहुत ही शैगी, बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए थे। हिज फेस वॉज येलो विथ एन एम्प्टी अर्थी टिंट इन इट, और उसके जो फेस था वो येलो हो चुका था, पीला पड़ चुका था और वो मिट्टी के कलर का हो गया था, बेजान हो गया था। हिज चिक्स वेयर हॉलो, हिज बैक लॉन्ग एंड नैरो, एंड द हैंड ऑन हिज शैगी हेड वॉज प्रॉब्ड वॉज सो थिन सो एंड डेलिकेट दैट इट वॉज ड्रेडफुल टू लुक एट इट। और उसके जो चीक्स थे वो गड्ढे में घुस गए थे, बेचारे के गाल धस गए थे। उसका जो बैक था, उसका जो पीठ थी लंबी हो गई थी, दुबला हो गया था, नैरो हो गया था। उसके हैंड शैगी हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा डरावने टाइप के हो गए थे। और उसको जो हैंड इतने पतले हो चुके थे, उसको देखने में डर लग रहा था, क्योंकि सिर्फ ऐसे लग रहा था कोई स्केलेटन हो, कोई सिर्फ हड्डी हो, कुछ मांस तो बचा ही नहीं था। हिज हेयर वॉज ऑलरेडी स्ट्रीक्ड विथ सिल्वर, एंड सीइंग हिज इमेसिएटेड एज लुकिंग फेस, नो वन वुड हैव बिलीव दैट ही वॉज ओनली 40। और उसके जो हेयर थे उसमें सिल्वर लाइनिंग आ गए थे, मतलब उसके बाल पकने शुरू हो गए थे 40 ईयर्स के एज में ही। और उसको देखने से और उसके फेस को देखने से ऐसा लग रहा था ये कितना बूढ़ा हो गया है, और कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि ये आदमी सिर्फ 40 ईयर्स का था। ही वॉज अस्लीप, वो सो रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज बॉड हेड देयर ले ऑन द टेबल अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच देयर वॉज समथिंग रिटन इन द फाइन हैंड राइटिंग, पुअर क्रिएचर। अब उसके सामने एक शीट पड़ी हुई थी, उसमें कुछ लिखा था, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा था। वो उसको देख के बोलता है, बेचारा, थॉट द बैंकर, ही इज अस्लीप एंड मोस्ट लाइकली ड्रीमिंग ऑफ द मिलियंस। बेचारा आदमी सो रहा है और बहुत 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 लाइकली है कि वो ड्रीम कर रहा हो, मिलियंस कैसे पाऊंगा, इतने सारे पैसे पाऊंगा मैं, क्या क्या करूंगा, उसके सपने देख रहा होगा ये। एंड आई हैव ओनली टू टेक हिज हाफ डेड मैन, थ्रो हिम ऑन द बेड, stifle him a little with pillow, and the most conscientious expert would find no sign of the violent death. वो कहता है, इतने दुबले पतले आदमी को, इधर अधमरे आर्मी आदमी को मारना क्या मुश्किल है, बस मैं इसको पकड़ूंगा और पेड में थ्रो कर दूंगा और उसको तकिए से उसको उसके गला घोट दूंगा, बोलता है। और जब इसका जांच होगा, जब इसका पोस्टमार्टम होगा, तो बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट जो रहेगा वो कोई भी साइन नहीं पाएगा कि इसका कोई मर्डर हुआ है। वो सोचेंगे इतना दुबला पतला आदमी, सांस रुक गई होगी इसका, ऐसा सोचेंगे। बट लेट अस फर्स्ट रीड व्हाट ही हैज़ रिटन हियर, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ ये लिखा क्या है यहाँ पर। द बैंकर टुक द पेज फ्रॉम द टेबल एंड रीड एज फॉलोज, टुमारो एट 12 o'clock रिगेन माई फ्रीडम and the right to associate with other men. But before I leave this room and see the sunshine, I think it is necessary to say a few words to you. बोलता है वो, बैंकर लिखा था, वो पेज को लेता है वो टेबल से और पढ़ता है, उसको लिखा था, टुमारो मैं अपना फ्रीडम पा लूँगा और 12 o'clock को मैं आज़ाद हो जाऊँगा और मैं लोगों से मिल पाऊँगा, लोगों से को देख पाऊँगा, इस रूम को मैं छोड़ दूँगा, सनशाइन को देखूँगा और सूरज को देखूंगा। और इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, विथ ए क्लियर कॉन्साइंस आई टेल यू एस बिफोर गॉड हु बिहोल्स मी दैट आई डिस्पाइस फ्रीडम एंड लाइफ एंड हेल्थ एंड ऑल दैट इज़ योर बुक्स
इज कॉल्ड द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है कि मैं एकदम क्लियर माइंड से कहना चाह रहा हूँ, एकदम साफ मन से कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भगवान के सामने कहता है कि सुनो, मैं फ्रीडम डिस्पाइस करता हूँ, मैं इस आज़ादी से ही नफरत करने लग गया हूँ, मैं लाइफ से नफरत करने लग गया हूँ, मैं हेल्थ से नफरत करने लग गया हूँ, और सब कुछ जो आपके बुक में लिखा है, सब कुछ जो वर्ल्ड में लिखा है, सब दुनिया की सब अच्छी चीज़ों से मुझे नफरत हो गई है। फॉर 15 ईयर्स आई हैव बीन इंटेंटली स्टडिंग अर्थली लाइफ। पूरे 15 साल तक मैंने इस मटेरियलिस्टिक लाइफ, इस अर्थली लाइफ को पढ़ा है, जिया है। इट इज़ ट्रू आई हैव नॉट सीन द अर्थ नॉर मैन, बट इन योर बुक्स आई हैव ड्रंक फ्रेगनेंट वाइन। ये सच है कि मैंने कोई इंसान से नहीं मिला ना देखा, लेकिन मैंने आपके ये बुक में, आपने बुक्स जो भेजी थी उसमें मैंने बहुत ही फ्रेगनेंट शराब पी है, बहुत ही खुशबूदार शराब पी है। आई हैव संग सॉन्ग्स, मैंने गाने गाए हैं। आई हैव हंट स्टेज एंड वाइल्ड बोर्स इन द फॉरेस्ट, मैंने शिकार किया है, बोर्स का शिकार किया है, स्टेक्स का शिकार किया है, हिरन का शिकार किया है फॉरेस्ट में। हैव लव्ड वुमेन, मैंने वुमेन को लव किया है। ब्यूटीज एज इथर्नल एज क्लाउड्स, इतनी सुंदर वुमेन जो बादलों से भी सुंदर हो। क्रिएटेड बाई द मैजिक ऑफ यूअर पोएट्स एंड जीनियसिस, और आपके जो पोएट्स और जीनियसिस ने जो बुक्स लिखे हैं उनको, उनके मैजिक को चखा हूँ, उनको देखा हूँ। हैव विजिटेड मी दैट नाइट, और वो मेरे सपनों में आए हैं। एंड हैव विस्पर्ड इन माई ईयर्स, और उन्होंने आके मेरे कान में विस्पर किया है, बुदबुदाया है। वंडरफुल टेल्स दैट हैव सेट माई ब्रेन इन अ वर्ल, जो सुंदर से सुंदर कहानियाँ, वंडरफुल कहानियाँ उन्होंने मेरे कान में आके सुनाए हैं। इन योर बुक्स आई हैव क्लाइम्ड टू द पीक्स ऑफ द एल्बर्ज एंड माउंट ब्लैंक, एंड फ्रॉम देयर आई हैव सीन द सन राइज एंड हैव वॉच्ड इट एट द इवनिंग फ्लड द स्काई। मैंने ग्रीक लिटरेचर पढ़ा है, ग्रीक पहाड़ों पर चढ़े हूँ, एल्बर्ज और माउंट ब्लैंक में चढ़ा हूँ, क्योंकि उस वो आपने ग्रुप ग्रीक बुक्स मेरे को भेजे हैं। और मैंने सनराइज़ को देखा है, मैंने इवनिंग को देखा है, मैंने शाम को देखा है, मैंने फ्लड को देखा है, मैंने मैंने स्काई को देखा है, मैंने ओशियन, मैंने समुद्र को देखा है, मैंने माउंट टॉप को, माउंटेन्स के टॉप को देखा है, मैंने गोल्ड को देखा है, मैंने क्रिम्सन को देखा है, मैंने सारा चीज़ को देखा है बुक्स के जरिए। ये सारा चीज़ वो रियल में नहीं देखा है, लेकिन सारा चीज़ को बुक्स के जरिए, बुक्स में पोएट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो रियल से भी ज़्यादा सुंदर होता है। ऐसा ऐसा मैं सारा जिया हूँ, मैं देखा हूँ। आई हैव वॉच्ड देम, आई हैव वॉच्ड फ्रॉम देयर द लाइटिंग फ्लैशिंग ओवर माई हेड एंड क्लीविंग द स्टॉर्म क्लाउड्स। मैं सब कुछ देखा हूँ, मैं बिजली लाइटनिंग देखा हूँ, फ्लैशिंग ओवर माई हेड, मेरे मैं अपने ऊपर बिजली गिरते देखा हूँ, बिजली को देखा हूँ, और क्लीविंग स्टॉर्म क्लाउड, मैंने तूफान को देखा है। आई हैव सीन ग्रीन फॉरेस्ट, मैंने ग्रीन फॉरेस्ट देखा है, फील्ड देखा है, मैदान देखा है, रिवर्स देखा है, लेक्स देखा है, झरने देखे हैं, टाउन्स देखा है, बहुत ही एक से एक शहर देखा है। आई हैव हर्ड द सिंगिंग ऑफ सायरन्स, मैंने सायरन्स को सुना है, मैंने स्ट्रेन्स ऑफ शेफर्ड पाइप सुना है, मैंने शेफर्ड होता है जो गड़ेरिया होता है उसके, उसको बांसुरी बजाते सुना हूँ। आई हैव टच द विंग्स ऑफ कॉमनली डेबल्स who flew down the converse with me to God. In your books, I have flung myself into the bottomless pit. मैं आपके बुक्स को पढ़ के बॉटमलेस पिट में गया हूँ, मतलब पाताल में भी गया हूँ, परफॉर्म्ड मेराकल्स, और वहाँ जाके मेराकल्स किया है, वहाँ जाके जादू किया है, स्लेन्स किया, स्लेन बर्न टाउन्स, प्रीस्ट न्यू रिलीजन, कॉन्कर्ड होल किंगडम, मैं एक राजा की तरह लोगों को मारा हूँ, टाउन्स को जलाया हूँ, और मैं एक संत की तरह एक प्रीचिंग किया हूँ, लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा दिया हूँ, मैंने मैंने किंगडम जीता है, मैंने देश को जीता है, इस तरह से, मतलब मैं कभी राजा बना हूँ, कभी मैं कॉन्करर बना हूँ, कभी मैं मैजिशियन बना हूँ, कभी मैं रिलीजन का धार्मिक प्रीचर बना हूँ, इस तरह से हर कुछ बना हूँ बुक्स के जरिए, क्योंकि मेरे में इतनी ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है। Your books have given me wisdom. आपके books ने मुझे wisdom दिया है. All that the unarresting thought of man has created in ages is compressed into small compass in my brain. और ये जो सारा का सारा जो लोग
जो सारा का सारा बुक में जो नॉलेज बिखरा हुआ है मेरे छोटे से ब्रेन में समाहित हो गया है। आई नो दैट आई एम वाइजर देन ऑल ऑफ यू, मैं जानता हूँ कि मैं तुम सबसे ज़्यादा वाइज हूँ, बुद्धिमान हूँ। एंड आई डिस्पाइस योर बुक्स, पर फिर भी मैं तुम्हारे बुक से भी नफरत करता हूँ। आई डिस्पाइस विजडम, मैं इस बुद्धिमत्ता से भी नफरत करता हूँ। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड की जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स है, उससे भी नफरत करता हूँ। इट इज़ ऑल वर्थलेस, ये सब कुछ बेकार है, फ्लीटिंग है, कुछ समय के लिए है, इल्यूजनरी है, भटकाव है, डिसेप्टिव है, छलावा है, लाइक अ मिराज, जैसे मिराज होता है, जैसे एक मृत तृष्णा है। सब कुछ मृत तृष्णा है, कुछ नहीं है, सब कुछ ट्रांजिटरी है, कुछ समय के लिए है, आज है कल नहीं रहेगा। यू मे बी प्राउड वाइज एंड फाइन, बट डेथ विल वाइप यू ऑफ द फेस ऑफ अर्थ एज दो यू वर नो मोर देन माइस बोरिंग अंडर द फ्लोर। एंड योर प्रायर पोस्टेरिटी, योर हिस्ट्री, योर इमोर्टल जीनेसिस विल बर्न ऑन फ्रीज टूगेदर विद द अर्थली ग्लोब। वो कहता है कि तुम बेकार में घमंड कर रहे हो, बेकार में प्राउड हो रहे हो, बेकार में इस वाइज, इस बुद्धिमत्ता पे घमंड कर रहे हो। एक डेथ हवा का झोंका आएगा, डेथ का झोंका आएगा, और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और तुम उसी तरह से हो जाओगे जैसे कि एक चूहा, चूहा जमीन में घुसे रहता है, उसी तरह से चूहे की तरह तुम डर जाओगे डेथ से, और कुछ नहीं हो तुम सिवाय एक चूहे के। और ये जो पोस्टेरिटी है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो हिस्ट्री है, ये जो बहुत ही बहुत इमोर्टल जीनियसेस हैं, जो बुद्धिमान हैं, ये सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक मिट्टी का ढेर बन के रह जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। डेथ जो है सब कुछ मिटा देगा, जो असली सच्चाई है वो है डेथ। यू हैव लॉस्ट योर लेस रीजन एंड टेकन द रॉन्ग पाथ, तुम अपना रीजन भूल चुके हो। ये तुमसे मतलब, इसमें सिर्फ वो बैंकर से ही नहीं है, ये ह्यूमैनिटी को कह रहा है, ह्यूमन ह्यूमन बींग से कह रहा है कि तुम एक गलत रास्ते पे चल पड़े हो। यू हैव टेकन लाइज फॉर ट्रूथ, तुमने झूठ को सच मान लिया है। हिडियसनेस फॉर ब्यूटी, तुमने बदसूरती को खूबसूरती मान लिया है। यू वुड मार्वल इफ ओविंग टू स्ट्रेंज इवेंट ऑफ सम सॉर्ट, फ्रॉग एंड लेजर सडनली ग्रीव एन एप्पल एंड ऑरेंज ट्रीज इंस्टेड ऑफ फ्रूट। तुमको एक छोटी छोटी चीज़ों पे तुम सही मान लोगे, तुम आश्चर्य करोगे। तुम अगर अगर किसी ट्री में एप्पल और ऑरेंजेस के बदले अगर लेजर्स और फ्रॉग्स आने लगे, तुमको तो आश्चर्य होगा। और इफ रॉज बिगेन टू स्मेल लाइक ए स्वेटिंग हॉर्स, अगर गुलाब से खुशबू की जगह बदबू आने लगे, जैसे कि कोई हॉर्स हो जो कि पसीने से भरा हो, तो तुमको आश्चर्य होगा। सो मार्वल एट यू एंड हु एक्सचेंज हेवन फॉर अर्थ। और तुमने क्या किया है, तुमने अर्थ के बदले में, तुमने हेवन के बदले अर्थ को ले लिया है, चूज कर लिया है, तुमने स्वर्ग के बदले नर्क को चुन लिया है। आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता। टू प्रूव टू यू इन एक्शन हाउ आई डिस्पाइस ऑल दैट यू लिव बाई, रिनाउंस द 2 मिलियन ऑफ विच आई वॉन्ट्स ड्रीम्ड एज ऑफ पैराडाइज विच नाउ आई डिस्पाइस। अब कहता है वो कि इस बात को प्रूव करने के लिए मैं सारा चीज़ जो कह रहा हूँ, मेरे को ये सारा मेटरलिस्टिक प्लेजर में कोई बिलीव नहीं है, मैं एक फिलोसफी पर ही बिलीव करता हूँ, एक मेरे में विजडम आ गई, उसको प्रूव करने के लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ। कहता है कि मैं सब चीज़ डिस्पाइस करता हूँ, सारी चीज़ों से नफरत करता हूँ, और मैं 2 मिलियंस जो तुम मेरे को देने वाले हो उसको मैं रिनाउंस करता हूँ, उसको मैं छोड़ता हूँ। आई रिनाउंस 2 मिलियन ऑफ विच आई वॉन्ट्स ड्रीम्ड एज, एक बार मैं इसको सपने देखा करता था कि मैं 2 मिलियंस पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, वैसी ज़िंदगी होगी, जिसके लिए मैंने अपने आप को कैद में रखा 15 साल। अब मैं इसको नहीं लेना चाहता। एज ऑफ द पैराडाइज विच नाउ आई डिस्पाइस, मैं सोचा था कि ये स्वर्ग के समान होगा, लेकिन मुझे अब इस पैसे से नफरत है। टू डिफ्राई माई सेल्फ ऑफ द राइट टू मनी, आई शैल गो आउट फ्रॉम हियर 5 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स्ड, और अपने आप को इस पैसे से वंचित कर सकूं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, शर्त का उल्लंघन करूंगा, शर्त को मैं से बाहर आ जाऊंगा, और इसके लिए मैं 2 मिनट पहले इस शर्त से बाहर आ जाऊंगा और इस रूम से निकल के चला जाऊंगा जो टाइम फिक्स्ड है उससे 2 मिनट पहले। एंड सो ब्रेक द कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट को मैं ब्रेक कर दूंगा। व्हेन द बैंकर हैड रीड दिस, जब बैंकर ये पढ़ा, ही लेड द पेज ऑन द टेबल, उसने पेज को रख दिया। किस द स्ट्रेंज मैन, जो मैन था जो वो सो रहा था, उसने कहा स्ट्रेंज मैन, क्यों कहा, क्योंकि अजीब आदमी है, क्योंकि कॉमन मैन तो हो नहीं सकता, ये साधारण इंसान तो हो नहीं सकता, स्ट्रेंज इंसान है ये। ऑन द हेड एंड वेंट आउट ऑफ द लॉज, और उस लॉज से चला गया,
रूम से चला गया, वीपिंग और रो रहा था। बैंकर रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। एट नो टाइम और द टाइम इवन वेन ही हैड लॉस्ट हैवली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, कभी वो स्टॉक एक्सचेंज पे हारा होगा, एंड ही फेल्ट सो ग्रेट ए कॉन्टेम्प्ट फॉर हिमसेल्फ, तब उसको नफरत हुई अपने आप पर, उससे भी ज़्यादा उसको नफरत अपने आप पर हो रही थी। वो गिल्टी फील कर रहा था, उसको अपने आप से नफरत हो गई थी, घिन आ रही थी उसको अपने ऊपर। वेन ही गॉट होम ही ले ऑन द हिज बेड, बट हिज टीयर्स एंड इमोशंस केप्ट हिम फॉर आवर्स फ्रॉम स्लीपिंग। वो सो नहीं पा रहा था, सोने का प्रयास कर रहा था, सो नहीं पा रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके इमोशन कंट्रोल से बाहर थे। वो बहुत समय तक टू एंड फ्रो इस तरह से, मतलब बेड में वो परेशान था, वो स्लीप नहीं आ रही थी उसको। नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉचमैन रैन इन विथ पेल फेसेस एंड टोल्ड हिम दे हैड सीन द मैन हु लिव्ड इन द लॉज क्लाइम आउट ऑफ द विंडो इन टू द गार्डन, गो टू द गेट एंड डिसअपियर। फिर दूसरे दिन जब सुबह हुई, वॉचमैन दौड़ा दौड़ा आया, उसका जो फेस था उसके रंग उड़े हुए थे, चेहरे के रंग उड़े हुए थे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी वॉचिंग करने की, लेकिन जो नहीं कर पाया था। वो कहता है कि जो आदमी जो कैद था वो चला गया, वहाँ छोड़ के चला गया, कहता है वो गार्डन से बाहर चला गया है, गेट से बाहर चला गया, वो डिसअपियर हो गया है, वो कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया है। द बैंकर वेंट एट वंस विद द सर्वेंट टू द लॉज, बैंकर तुरंत ही तैयार हुआ और चला गया सर्वेंट के साथ, लॉज में चला गया। एंड मेड श्योर ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रिजनर, उसने श्योर किया कि ये वास्तव में गया है कि नहीं गया है। एक्चुअल में उसको तो पता था, लेकिन एक तरह से एक्टिंग करता है वो वॉचमैन के सामने कि वो देखने आया है। टू अवॉइड अराउजिंग अननेसेसरी टॉक ही टुक फ्रॉम द टेबल द राइटिंग इन विच द मिलियंस वर रेनाउंस्ड, एंड वेन ही गॉट होम लॉक्ड इट अप इन द फायर प्रूफ सेफ। अब ये सारा र्यूमर्स को हटाने के लिए, अननेसेसरी लोग टॉक करेंगे अगर लेटर को पढ़ लेंगे, तो उसने क्या किया, जिसमें मिलियंस को रेनाउंस किया गया था, जिसमें पैसे को धक्का मार दिया गया था, पैसे को छोड़ दिया गया था, उसको लॉक कर दिया उसने फायर प्रूफ सेफ में। उसके पास एक सेफ था जहाँ से वो चाबी निकाला था, फायर प्रूफ सेफ था, उसमें उसने उसको रख दिया। और फिर कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सो इसमें, इस कहानी में बताया गया है कि कैसे जो पैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे से भी इम्पोर्टेंट है एक साफ सुथरी ज़िंदगी, एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ। होप यू लाइक दिस स्टोरी, एंड इफ लाइक शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच स्टोरीज। थैंक यू सो मच।